Hey fam, what's up? First of year. So I'm at my bikes there on INN24. Hi, this is Janat Zubair Rahmani. Keep watching INN24. पर्दा खुलने वाला है आप सभी के सामने। मैंने रास्ता रखा है बाहर, ताली जोर से बज सकती है। वैसे ना लुक हियर, मेन कैमरा इधर है। लुक हियर, वन मोर। कहाँ देखो, ऊपर है। अशर यहाँ दिख रहा है आपको, जरा देख पीछे दिखा दे। मैडम इधर लुक दो, दोनों लुक आज टेक्निकल। सर सर आपका मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और किस तरह की एल्बम है, क्या गाने के क्या लाइन है? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। लास्ट ईयर आप लोग सब थे फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च पे शहर पे, एक साल का गैप लिया मैंने मोहब्बताँ के लिए, जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग ग्रंजी एंड आज के ट्रेंड के हिसाब से। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, म्यूजिक टीम काफ़ी बड़ी थी, डायरेक्ट वीडियो टीम भी थी। And one more addition to the family, mashallah, Sana is here. Sana Sultan Khan, actor in the song, and she's been a great support. और मेरा acting debut है last year, आप लोग की बहुत शिकायत थी कि तुमने क्यों नहीं किया वीडियो में काम, तो शिकायत बड़ी कोशिश की है। बहुत सारे friends हैं, family है, सोशल मीडिया की फैमिली है, they wanted me to act. सना की नई एंट्री है, इससे पहले क्या प्रोफाइल क्या आपका? सना बात सना, सना बहुत खूबसूरत लग रही थी पहले, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, जब पब्लिक यहाँ देख रही थी तो उनकी आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपके गाने देख के। शुक्रिया। कैसा रिएक्शन रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा ओवरऑल वीडियो को लेकर? ओवरऑल मोहब्बताँ के साथ एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत ही आला था, बहुत ब्यूटीफुल था। सबसे पहले तो को एक्टर और पूरी टीम का काम होता है अपनी एक्ट्रेस को कंफर्टेबल फील करवाना, और उन्होंने वो बखूबी किया। जब मैंने सॉन्ग सुना, आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेसमराइजिंग सॉन्ग, जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये जुबान पर बैठ जाता है। स्पेसिफिकली इसका मुखड़ा है, जिन्होंने देखा है मुझसे अग्री जरूर करेंगे। सो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत मजा आया। आई फील लकी टू बी कास्टेड इन दिस। असर ये चार बाल जो है आपके नीचे, वो काफी असर असर कर दिया है पूरे गाने में, लोगों पे भी असर छोड़ दिया है, छाप छोड़ दिया है। कैसा एक्सपीरियंस था? और आप दोनों की केमिस्ट्री माशाल्लाह अच्छी लग रही है गाने में, लेकिन कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, व्हेन आई मेट सना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई थिंक 11 नाटे में मिले थे, और मेरे बहुत से दोस्त हैं फराज अख्तर, जिन्होंने जिनको मैंने कहा कि मुझे यार मैं एक्ट कर रहा हूँ उस गाने में, और क्योंकि तुम कास्टिंग डायरेक्टर हो तो मेरे हिसाब से कोई एक आप अच्छा चेहरा ढूंढ के लाए। तो द फर्स्ट प्रोफाइल वॉज सनाज प्रोफाइल, और देर वॉज आई वॉज डन कम्प्लीटली एंड आई शोड इट टू माई वीडियो टीम, माई डायरेक्टर एंड डी ओ पी एंड एवरीबडी, एंड वी जस्ट लव द वर्क ऑफ सना एंड द वे शी वर्क्स, उनके प्रोफाइल। सो हम लोग ने मीटिंग डिसाइड की है, मैंने सना को सॉन्ग सुनाया, एंड देयर शी वाज इन द फर्स्ट मीटिंग, शी वांटेड टू डू द सॉन्ग, सो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री की बात जब आती है तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, बिकॉज क्या होता है ना, एक म्यूजिक फील्ड इज टोटली डिफरेंट व्हेन यू केम, इट्स कम्प्लीटली ऑन द कैमरा, but when coming on the camera it's a very difficult job, and to all the actors hats off man. 24 ghante aap cut pe aur action pe aap shuru ho jate ho, cut pe aap khatam kar lete ho, and back to the normal, so wo switching bahut important tha, plus ye love song tha, to wo jo chemistry thi sana ke sath wo isliye achhi lagi, mere ko achhi lagi na, haan definitely isliye achhi lagi because she made me very comfortable on set, she was very friendly, she was very kind, जहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, शी वॉज देयर टू हेल्प मी आउट, मेनी सीन्स वेयर शी वॉज लाइक अशर यू कैन डू इट एंड इट रियली हैड टू बूस्ट हिम, अशर इट्स ओके एक्टिंग ही है, कैमरा ही, आप कर सकते हैं। सो व्हेन यू हैव सच को स्टार एंड व्हेन यू हैव सच पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, सच पॉजिटिव वाइब्स, तो चीज़ें आसान हो जाती है। और दैट वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम सना इज, यू नो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, यू जस्ट हैव टू कीप स्माइलिंग एंड यू जस्ट हैव टू कीप फेथ इन योर ओन वर्क,
और आप उसको बेहतर से बेहतर क्राफ्ट करिए और एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा टिकटॉक की एक सेकंड, जब ये सॉन्ग आपको सुनाया गया या प्रपोजल जब आपके पास आया तो वो फुल वो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, वो पल कैसा रहा, कैसा रिएक्शन रहा आपका उस समय जब आपके पास ये गाना आया सुनाया तो गया? हाँ, तो जैसे कि अशर ने कहा, हमारे कॉमन फ्रेंड ने जो कास्टिंग करते फराज, उन्होंने ही मुझे बोला कि सना, अशर एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, बहुत अच्छा काम करते हैं इंडस्ट्री में, अभी आपको उनका कॉल आएगा, आप उनका जो भी है बातचीत कर लें। मैंने इनसे बातचीत की, पहली दफ़ा ही मुझे बहुत जेन्युइन अच्छे लगे, मैंने कहा चलो ठीक है मुलाकात करते हैं, गाना सुनते हैं। और जब मैंने गाना सुना, एज आई सेड, बहुत मेस्मराइजिंग था। और कभी भी ना काम करने से पहले मेरी एक चीज़ है, ऑलवेज लिसन टू द सॉन्ग, अगर वो कान में गाना यू नो छू जाए, अगर वो गाना बजे आपके कान में सुनने के बाद, अगर वो कैची रहे, आई डू इट। एंड मोहब्बता के साथ एग्जैक्टली हुआ, जिसका मुखड़ा है तेरी या मोहब्बता ने ले गई दिल मेरा सोने या, मैंने अपनी अम्मी को भी एक दफा सुनाया था, वो गाती रहती है ये पक्का मेरे पेट पे लात मारने के चक्कर में, डोंट टेक हर सीरियसली, मैं अच्छी सिंगर भी हूँ, सुन लो। सर बात करें, हर चीज का एक दौर होता है, एक टाइम होता है गाने का, हर चीज का। अभी जो फिलहाल अगर पिछले एक साल की बात करें, जितने टिकटॉक के बनाने वाले हैं सबको लेकर आए दिन रोज रोज एल्बम में लॉन्च हो रही है, गाने लॉन्च हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक टैलेंट है तो बाहर निकलना चाहिए, और डिसाइड करने वाली जनता है, डिसाइड करने वाली पब्लिक है, कि हम कोई नहीं होते, एज एन आर्टिस्ट हमारा यही काम है कि हम 100% ईमानदारी से उस चीज़ को निभाएं, अपने क्राफ्ट को पॉलिश करें। डिपेंड करता है कि पब्लिक के ऊपर क्या है। आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, आई सेड टू यू दिस, एंड इवन एवरीबॉडी इन माय टीम नोज दैट, आई वॉज कम्प्लीटली इनसाइड द रूम, आई वॉज लाइक शिट क्या होना, आई डोंट नो, बट एवरीबॉडी राइट फ्रॉम सना टू माई डायरेक्टर टू लाइकी एंड पीपल टू टिप्स, एंड आई वांट टू मेंशन अश्विन तिवारी साहब टिप्स के, जिन्होंने बहुत सपोर्टिवली हमको हेल्प किया। गाने की रिलीजिंग एक थोड़ी दूर थी, बट ही वॉज वेरी जेन्युइन, एंड आई थिंक तलवीर सर की मुलाकात हुई टरानी जी से टिप्स में, एंड दे मेड सम चेंजेस ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दे सेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट वी हैव ऑन आवर चैनल। सो दिस इज़ अ बिग थिंग, के एक मॉनिटर होकर भी अगर आप कोशिश करते हो तो लोग उसको पसंद करते हैं नो मैटर वॉट। सो टिकटॉक की बात जाता है तो इट्स गुड, कुछ चीज़ें हैं जो खटकती भी है, बट कौन सी चीज़ें खटकती हैं सब बता दें अभी, बता दो। यस या अच्छा, तो वैसे मैं पहले इसमें कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा। या क्या चीज़ें हैं? सब मेरे दोस्त हैं, बट एक पीआर को देख के आप चुप हो गए, क्या बात है? नहीं नहीं, चुप होने की बात नहीं, देयर आर समथिंग विच इज मिसिंग। आई थिंक कुछ गाने होते हैं या कुछ एक एक रोल प्ले जो होता है इस किसी गाने का, आई थिंक आप जस्ट बिकॉज ऑफ द फेम आप उसको ज़बरदस्ती खींच के फ्रेम में लेके आ सकते हो एज अ फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सो आई फील दैट अगर थिंग्स आर नॉट देयर ऑन वेल ऑन टाइम, या फिर अगर वो चीज़ें क्राफ्ट में नहीं बैठ रही है, फिर ज़बरदस्ती उसको घुसा के जस्ट बिकॉज सामने वाला फेमस है, आई थिंक यू आर रूइनिंग द होल क्राफ्ट, क्योंकि टीम की मेहनत होती है, म्यूजिशियंस की मेहनत होती है, एक्टर्स की मेहनत होती है। सो आई डोंट थिंक के दैट क्वालिटी शुड मैटर ओवर क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाट नंबर्स आजकल ज़्यादा मैटर करने लग गया, जो एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक कहीं ना कहीं दुख की भी बात है, बट हाँ वो बूस्ट भी करता है कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं वो नंबर्स हमारे भी कॉन्टेंट पर आए। तो या एवरीथिंग इज़ गुड, सब कोई अच्छा कर रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का। अशर पहले सिंगर रहे, कंपोजर, सिंगर कंपोजर अब एक्टर, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? टॉकर हाउस? आई डोंट नो सना, मेबी यू कुछ से मेरी वाइल्ड कार्ड, मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दो। नो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग दिस इज नॉट ऑफिशियल बट वी आर प्लानिंग फॉर अ मराठी फिल्म, मराठी फीचर फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म लिखी है मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर है इस गाने के, विश्वजीत ने, बहुत रियल स्टोरी है। बहुत जल्द से मोहब्बता के तुरंत बाद हम उसको मूव ऑन करने वाले हैं, वी आर मूविंग टू द प्री प्रोडक्शन साइड ऑफ द फिल्म। सो या आई एम अल्टीमेटली फोकसिंग मोर ऑन द फीचर साइड एंड मोर एंड मोर एल्बम्स इंशाल्लाह, एंड लॉट ऑफ बिग अनाउंसमेंट्स टू कम इन फ्यूचर। थैंक यू सर। आपको कैसे गाना, जब पहली बार कॉम्पोजिशन सुनी तो लिखते वक्त मैंने सोचा कि इस पे जो मेरा एक्चुअली जो तरीका होता है लिखने का, वैसा ना लिखा जाए, इसको एक रॉनेस इसके लिरिक्स में होना चाहिए, तो मैंने उसका ख्याल रखा। गाना तो अच्छा बन गया, और बड़ा एक फिक्र थी कि इसका वीडियो कैसा बनेगा। अशर पहली बार एक्टिंग करने जा रहे थे, और ये तो माशाल्लाह है ही जरा काम जानती है, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैं हैरान था कि अशर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की,
और बड़ी उम्मीदें हैं इससे, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में शायद इसको लॉन्च करना पड़ेगा। क्या बात है। ठीक है, अच्छा लगा, इंशाल्लाह हिट। देखिए इंडस्ट्री में अच्छे म्यूजिक और अच्छी राइटिंग पे भी काम हो रहा है, लेकिन रैप की तरफ भी लोग बढ़े हुए हैं, और ऐसे मोमेंट पे अगर गाना आपके हाथ में आता है कि गाना हिट भी देना है और जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो इसमें राइटिंग पे कितना जोर दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? राइटिंग अभी बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि अब वो एक दौर था कि जब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं खराब गाने के एग्जांपल देते थे कि मैं इस टाइप के में, अभी है कि अच्छे गानों के एग्जांपल दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा काम बाहर आएगा। थैंक यू सर।